गोल वाला ऐसा टेबल है, उलाओ उधर दो उनके पीछे वह बैठ जाते अच्छा ना लेके वीडियो चालू है रखी देखो भैया इधर देखना उधर देख हाँ हल्दी लागी ओकरे बाद चुम्बन हुई ना पहले शुरुआत हो जाए से वही ना अच्छा पहले तू पूजती ना तू लगाएगा तो पीछे तू पकड़े रहो पांच ब्लॉग बनाते हटो बांसोली खरीदिया।
मैंने इस पे म्यूजिक नहीं डाला है, जो हमारे गांव के गीत होते हैं वही है, और जो कोई सेटअप नहीं है, कुछ नहीं कि हाँ भाई चीखो चिल्लाओ मत, क्योंकि आप लोगों को पता है शादी के माहौल में चीखना चिल्लाना हंसी मजाक सब रहता है, तो जैसा है वैसे ही आपके सामने पेश कर रही हूँ, कुछ मिलावटी नहीं है। और हाँ, म्यूजिक लगाना मुझे नहीं लगा कि जरूरी है, गाँव के गीत जरूरी है। जूता हाथ नहीं धोया था, मेरे बीच वाली भाभी का उनकी बहू वो है। और अभी चुम्बन की रस्म चालू हो गई है, हल्दी के बाद हमारे यहाँ चुम्बन की रस्म होती है, और ये सारा वीडियो शूट मेरी बेटी ने किया, तो थैंक यू साक्षी जी कि आपने ये सारा वीडियो। शिंगार तेरा किसने सजाया है, ऐसा शिंगार तेरा किसने सजाया है। अभी हमारे यहाँ बरुआ खाने की रस्म होती है, जिन बच्चों की शादी नहीं हुई रहती तो मतलब उनको बिठाया जाता है, और जिसकी शादी होती है वो अपने हाथों से मीठा चावल ऐसे बना हुआ रहता है तो उसे दिया जाता है। गांव में होता है तो आंगन बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको पता ही होगा शहर में बहुत छोटे छोटे कमरे होते हैं, तो एक किचन में बिठा कर खिलाया गया है। तो इस पर आप कोई कहिएगा मत कि हाँ मतलब किचन में नहीं खिलाया जाता है, खिलाया जाता है आंगन में, लेकिन जगह की कमी की वजह से हमें ये का जो था रस्म वो किचन में करना पड़ा। रस्में कहीं भी हो दिल से करनी चाहिए, और जगह का तो भगवान भी जानता है और आप लोग भी जानते हैं। तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा।
आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे के पार्ट आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें लड़के ने भिक्षा मांगी और मेरी बहन ने कमाल का ढोल बजाया, तो वो तो देखना। वो है आपके पीछे दीदी, ये हमारे में ना बच्चे आम की लकड़ी लेके रखते हैं और उसके बाद उन्हें परछा जाता है जो तेल पूछती हैं, तो ये कुछ इस तरह की रस्म है। शिंगार तेरा किसने सजाया है।